बदलापुर स्टेशन पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया था और एक स्थानीय स्कूल की इमारत पर धावा बोल दिया। ये विरोध 2-4 साल की लड़कियों के स्कूल स्वीपर द्वारा शौचालय में यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जो रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाए हुए थे और पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंक रहे थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों जिनमें कई गुस्साए माता पिता शामिल थे स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाया और यौन उत्पीड़न के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना सिंह की अगुवाई में एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामले को तेजी से निपटाया जाएगा, साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाईकर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है, IG लेवल की महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास।